तो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब लोग। होप करता हूँ कि आप बढ़िया और अच्छे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटे को भी जरूर दबाएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें गाइस, क्योंकि हम उधर भी ड्राइविंग रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जेड के पहले का रिव्यू करने वाले हैं और एक एक्सप्लोर बस मोड़े गाइस। तो उससे पहले चलो एक छोटे से इंट्रो की ओर। तो इस जेड के पहला बस मोड को RBB गेमिंग चैनल ने बनाया है और इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उधर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका डैशबोर्ड का क्वालिटी और एक्सटीरियर का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है गाइस और आपको एक टफ फीलिंग देता है। तो सबसे पहले हम इसके इंजन साउंड को देखेंगे, तो चलो इंजन साउंड की ओर। तो आप इधर एक्सटीरियर लुक देख सकते हो गाइस, तो आपको इस तरह का एक फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलता है। तो इसका एक्सटीरियर का बिल्ड क्वालिटी अच्छा है और जैसे ही आप डोर एनिमेशन को ऑन करोगे तो बाहर के डोर के साथ साथ अंदर का डोर भी ओपन होता है और उसके साथ साथ स्टेयरकेस लाइटिंग भी ऑन होता है और नीचे का स्टेयरकेस भी बाहर आता है गाइस। तो इसका डोर एनिमेशन की बहुत ही बढ़िया है और इस मोड में आपको तीन तरह के एनिमेशन की देखने को मिलेगा। तो पहले वाले एनिमेशन की से सामने का इंजन कंपार्टमेंट ओपन होता है जिसके अंदर आपको एक इंजन का टेम्परेचर देखने को मिलेगा और आपको इंटीरियर में भी लाइटिंग देखने को मिलता है। और दूसरे वाले एनिमेशन से ऊपर का एयर इनटेक बंद होता है गाइस, जिसका इफेक्ट आप इधर देख सकते हो। और तीसरे वाले एनिमेशन से डोर साइड का विंडो रोटेट करता है, जो कि आप इधर देख सकते हो गाइस। तो इसका तीसरा वाला एनिमेशन की उतना खास नहीं है और मुझे उतना पसंद नहीं आया गाइस। तो बाकी दो एनिमेशन की अच्छा है और आप इधर इसका इंटीरियर देख सकते हो गाइस, आपको एक बढ़िया सा डैशबोर्ड देखने को मिलता है। तो डैशबोर्ड का फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छा है गाइस और आपको इंटीरियर में मैप भी देखने को मिलता है। तो आपको इल्यूमिनेशन तो देखने को मिलता है गाइस, लेकिन आपको कोई भी रिस्पॉन्सिव डायल या इंडिकेशन देखने को नहीं मिलता। अगर डायल होता तो और भी बढ़िया होता, लेकिन इसका इंटीरियर का क्वालिटी अच्छा है गाइस। तो इसका ड्राइविंग एंगल भी अच्छा है और इसका इंटीरियर एक्सटीरियर एकदम बढ़िया है गाइस और आपको एक्सपोर्ट का लिवरी भी देखने को मिलता है इस बस मोड में, तो अच्छा है गाइस। तो इसका स्पीड भी बढ़िया है, ब्रेकिंग भी अच्छा है और बहुत ही स्टेबल मोड है गाइस, तो आप इसे आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। और इसका टर्निंग रेडियस भी अच्छा है गाइस, तो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है गाइस, आपको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो नीचे कमेंट करें कि आपको ये मोड कैसा लगा, तो मुझे तो बढ़िया लगा। और अगर आपके पास कोई भी वांटेड इश्यूज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो आज के लिए मैं इतना ही था, मैं आपसे अगले में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।